हेलो एवरीवन, मैं रुहिका और स्वागत है आपका एडू इंडियन के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं आरआरबी जेई की। राइट, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी केमिस्ट्री। और लास्ट लेक्चर में हमने केमिस्ट्री में देखा था कि मिक्सचर के कितने टाइप्स होते हैं, जिसमें आपको होमोजीनियस मिक्सचर थे और हेटरोजीनियस मिक्सचर थे। और मैंने एंड किया था लेक्चर कोलॉइड्स पे, मैंने कोलॉइड्स के बारे में पढ़ाया था कितने टाइप्स के होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने लास्ट लेसन में ख़त्म की थी। अच्छा, इस लेसन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कैसे कर सकते हैं। मतलब कि मैंने आपको क्या बताया था कि कंपाउंड को हम नॉर्मल जो फिजिकल या केमिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन मिक्सचर को हम कर सकते हैं। तो मिक्सचर के बहुत सारे ऐसे सेपरेशन के मेथड्स होते हैं, उन्हीं मेथड्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ना है, बस इसके एग्जाम्पल्स को हमें ध्यान में रखना है। इतना समझ में आ जाना चाहिए जिसके जिसे एक बेसिस पे क्वेश्चंस बन जाएं, बिकॉज क्वेश्चन में हमेशा ऐसे नहीं आएगा कि फिल्टरेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है। एग्जाम्पल्स के थ्रू पूछा जाएगा, लाइक ये जो मिक्सचर है इसको किस मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये सेपरेशन समझ में आना चाहिए, दैट्स इट। तो पहला हमारा क्या मेथड है, फिल्टरेशन। सबको पता है फिल्टरेशन क्या होता है, जैसे कि हमने सैंड और वाटर मिक्स कर दिया एक दूसरे में और उसको फिल्टर कर दिया, तो सैंड अपना अंदर रह जाता है, पानी बाहर निकल जाएगा, राइट। या फिर टी लीव्स, हम चाय बनाते हैं, चाय पत्ती होती है, उसको हम फिल्टर करते हैं, चाय पत्ती बाहर आ जाती है, चाय अंदर रह जाती है, राइट। तो ये सारे क्या हो गए, फिल्टर के फिल्टरेशन के प्रोसेस हो गया। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जब फिज़िकल सेपरेशन हो रहा है, इसमें केमिकल सेपरेशन तो हो नहीं रहा, फिज़िकल सेपरेशन हो रहा है, मतलब कि इसमें कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्व होंगी। जैसे कि फिल्टरेशन में कौन सी फिज़िकल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है, साइज़ ऑफ़ द पार्टिकल्स, राइट। मतलब साइज़, पार्टिकल्स के साइज़ पर डिपेंड हो रहा होता है। जो साइज़ छोटा होगा वो फिल्टर पेपर के ऊपर, जो छोटा होगा वो फिल्टर पेपर के नीचे आ जाएगा, जो बड़ा साइज़ होगा वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा। तो इसमें साइज़ डिपेंड हो रहा होता है। इसी तरीके से सारे मेकैनिज्म में, जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, सब में कोई ना कोई फिजिकल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। फिल्टरेशन समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा है सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल क्या होता है, एक इस तरीके का फनल होगा, आपने लैब में देखा होगा केमिस्ट्री पढ़ते टाइम पे, ये इस तरीके का फनल होता है और यहाँ पे क्लैंप लगा हुआ होता है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पहले किस चीज़ को सेपरेट कर रहे होते हैं सेपरेटिंग फनल से, ये देख लेते हैं। टू इमिसिबल लिक्विड्स। अब इमिसिबल लिक्विड्स क्या हैं, जो लिक्विड्स आपस में मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। मिसिबल हो जाता तो मतलब क्या होता है कि आपस में मिक्स होते हैं, इमिसिबल हो जाता मतलब कि आपस में मिक्स नहीं होते। तो वैसे लिक्विड्स जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, उसको हम लोग सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या मैटर कर रहा होता है, यहाँ पर क्या फिजिकल प्रॉपर्टी यूज़ हो रही होती है, डेंसिटी। जो ज़्यादा डेंसर है वो क्या होगा, जैसे मैंने आपको दिखाया था कुछ इस तरीके का सेपरेटिंग फनल यूज़ होता है और यहाँ पे क्लैंप लगा होता है। सपोज़ कि हमने डाला है इसमें ऑयल और वाटर, आपको बहुत अच्छे से पता है कि ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होगा। तो सपोज़ कि ऐसे कि मान लो ये आपका आपका वाटर है नीचे और ये ऊपर क्या है, ऑयल है ना। क्योंकि वाटर और ऑयल मिक्स नहीं होंगे तो ऑयल वाटर के ऊपर रह जाएगा, एक लेयर फॉर्म कर देगा, है ना। अगर इसे हमें सेपरेट करना, ऑयल और वाटर को अलग अलग करना है, तो क्या करेंगे, हम क्लैंप को ओपन कर देंगे और जैसे ही ओपन करेंगे वाटर ड्रिप होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही पूरा का पूरा वाटर निकल गया, ऑयल के सरफेस तक आ गया, हम क्लैंप को बंद कर देंगे, हमारा ऑयल और वाटर सेपरेट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा होता है सेपरेटिंग फनल का मेथड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है, सपोज़ जैसे इवेपोरेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे कि वाटर है वो इवेपोरेट हो गया, राइट। तो क्या होगा कि इस तरीके से मान लो वाटर है उसमें कुछ गंदगी है, तो मान लो कि अगर वाटर सेपरेट हो जाता है, वाटर इवेपोरेट हो जाता है, तो पीछे क्या रह जाएगा, सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स रह जाएंगे, वो इम्प्योरिटीज़ रह जाएंगे जो वाटर के साथ मिक्स हैं, राइट। तो ये हमारा प्रोसेस होता है इवेपोरेशन का, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इंटू इट्स वेपर्स एट रूम टेम्परेचर। बहुत ध्यान देने वाली बात है, मैंने आपको ये लास्ट लेसन में समझाया था इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब। सेम चीज़ बॉइलिंग पॉइंट में भी, बॉइलिंग में भी होती है, नॉट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग में भी होती है, सेम चीज़ इवेपोरेशन में भी होती है। अंतर क्या होता है कि इवेपोरेशन आपके रूम टेम्परेचर पर ही हो जाता है, रूम टेम्परेचर पे ही आपका लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन बॉइलिंग में क्या होता है कि सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट जब तक नहीं आएगा तब तक आपका बॉइलिंग स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। फिजिकल प्रोसेस सेम होता है लेकिन जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट हो जाएगा दोनों में, ठीक है। तो इवेपोरेशन समझ में आ गया। अब इवेपोरेशन के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो उनको समझना मुश्किल, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इवेपोरेशन से क्या होता है, कूलिंग होती है, कूलिंग का इफेक्ट आपको फील होता है। जैसे कि
सपोज कि घड़ा होता है ना, घड़ा हम घड़ा यूज़ करते हैं गर्मी के टाइम पे, हम घड़ा यूज़ कर रहे होते हैं, उसे पानी भर रहे होते हैं, ठंडा आता है ना पानी, ठंडा होता है उसमें से पानी, क्यों ठंडा होता है? ऐसा क्या है जो घड़े में ठंडा हो जाता है पानी? क्या होता है कि घड़ा तो मिट्टी से बना है, और मिट्टी में आपको पता है कि बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो हमारे इस घड़े में भी ढेर सारे ऐसे छोटे 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 पोर्स होते हैं। अब अंदर जो आप पानी भर रहे हो, वो वाटर जो होता है इन पोर्स पे बाहर में आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है। अब ये जो पानी है जो सरफेस पे आ चुका है घड़े के, ये एटमोसफेयर से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। अब एटमोसफेयर के जब टच में आएगा तो वो क्या करेगा कि इस पानी से, यहाँ से क्या होगा, हीट को, जो एनर्जी है इनकी, उसको ड्रॉ कर लेगा, ठीक है। और वो क्या करेगा, तब वो पानी किससे कांटेक्ट में है, ये पानी जिस तरीके से बाहर के कांटेक्ट में, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, यही पानी अंदर के पानी से भी कांटेक्ट में है। जब एटमॉस्फेयर इस पानी से, इस वाटर ड्रॉपलेट से एनर्जी ले रहा है, तो वो एनर्जी पानी कहाँ से लाके देगा उसको, जो अंदर जो पानी है, जो अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स है उसमें से एनर्जी ड्रॉ करेगा और बाहर एटमॉस्फेयर में देगा, है ना। तो आपको पता है कि जब एनर्जी लूज होती है तो वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट हो जाती है, हीट एनर्जी लूज होगी तो क्या बचेगा, कोल्ड, कोल्ड बचेगा, है ना। हीट नहीं है, एब्सेंस ऑफ हीट इज कोल्ड, है ना। तो यहाँ से एनर्जी जब वाटर अपना लूज करना शुरू कर देगा घड़े के अंदर का पानी, तो वो कोल्ड होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया। इसी तरीके से एक जगह से तो ये काम होता नहीं, ढेर जितने भी पोर्स हैं उन सारे पोर्स पे उतने ही वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, और हर जगह से हर टाइम पे वो हीट लूज हो रहा है ना। तो इस रीज़न से क्या होता है, आपका अंदर का जो पॉट का जो वाटर होता है वो ठंडा हो जाता है, ठीक है, इवेपोरेशन की वजह से हुआ। उस तरीके से कॉटन क्लोथ्स जो हैं समर में, वो क्या करते हैं कि आपका जो बॉडी का स्वेट है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सरफेस पे ले आते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पे अर्दन पॉट में हुआ था कि अपना हीट एनर्जी लूज होना शुरू हो जाता है, तो आपके बॉडी का जो स्वेट का जो हीट एनर्जी होगा, आपके बॉडी के अंदर से एनर्जी, हीट एनर्जी लेगा और इन टर्न आपके बॉडी को कूल कर देगा, ठीक है। स्पिरिट का भी सेम होता है, अगर अपने हाथ पे आप स्पिरिट रखोगे तो क्या होगा, वो तुरंत तुरंत क्या होता है, स्पिरिट क्या करेगा, तुरंत से वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा, एनर्जी लेगा। तभी तो जब भी ऐसे स्टेट, जब अलग मैटर ऑफ स्टेट जब कन्वर्ट हो रहे होते हैं वन स्टेट टू अदर, हमेशा एनर्जी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। एनर्जी लूज होती है या फिर एनर्जी गेन होती है, तभी कन्वर्जन हो रहा होता है मैटर का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अभी तो स्पिरिट लिक्विड फॉर्म में है, तो वो लिक्विड से गैस में होगी, तो क्या होगा, एनर्जी यहाँ पे गेन करेगा, आपके हाथ से एनर्जी गेन करना शुरू करेगा और इन टर्न आपके हाथ को ठंडा कर देगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है, इनसे क्वेश्चन आते हैं, सो ध्यान रखिएगा इन बातों का। अब कुछ देख लेते हैं, इवेपोरेशन डिपेंड करता है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे, जैसे कि टेम्परेचर पे। ऑब्वियस बात है, टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स में बढ़ेगी, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी जल्दी चेंज होना शुरू होंगे वाटर से गैस में। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो इवेपोरेशन इंक्रीज़ होगा। आपको बस ये चीज़ समझनी है कि क्या इंक्रीज़ करने से इवेपोरेशन इंक्रीज़ होगा या फिर डिक्रीज़ होगा, ठीक है। अब सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने से या डिक्रीज़ करने से क्या होगा, हमारा जो इवेपोरेशन है वो सिर्फ वो सरफेस फिनोमिनन है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इवेपोरेशन जो है वो सरफेस फिनोमिनन है, और बॉइलिंग जो है वो बल्क फिनोमिनन है, ठीक है, बल्क फिनोमिनन है। तो क्या होता है कि सरफेस फिनोमिनन है हमारा इवेपोरेशन, तो अगर सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। यही रीज़न है कि अगर आप पानी को ग्लास में लेते हो या फिर एक बड़े से बॉल में लेते हो, जल्दी ठंडा कौन होता है, ग्लास का पानी या फिर बॉल का पानी, बाउल का पानी, ठीक है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है ग्लास के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यानी कि सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। विंड स्पीड होने से क्या होगा, देखिए क्या होता है, हमारा जो विंड है उसमें कुछ मॉइस्चर होता है ना। तो अगर मान लीजिए कि हवा चल रही है, विंड अगर है, तो उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो एक जगह पे नहीं रह पाएगा, है ना, वो हवा अपने साथ उसको बहा के ले जाएगी। यानी कि आपका जो विंड का मॉइस्चर है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो एक पर्टिकुलर जगह पे उसका जो मॉइस्चर है वो कम हो जाएगा। तो जब एयर में मॉइस्चर कम हो जाएगा तो आपका जो बॉयल में जो पानी है वो आराम से यहाँ पे अपना जो वाटर मॉलिक्यूल से आराम से एयर में जा पाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो पहले यहाँ देख लीजिए, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब क्या है कि आपका जो वाटर वेपर है, आपका जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर जो हवा है उसके अंदर क्या होता है, वाटर वेपर्स होते हैं। तो अगर वाटर वेपर ज़्यादा अमाउंट में होते हैं तो उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी, यानी कि नमी, नमी ज़्यादा है। देखते हैं गर्मियों में कई बार बहुत चिपचिपा सा एक वो आपको फीलिंग आता है, यानी कि हवा में नमी ज़्यादा है, वाटर वेपर हवा में ज़्यादा है,
उस टाइम पे अगर आप कपड़े सुखाएंगे तो बहुत लेट से कपड़े सूख रहे होते हैं, बिकॉज ऑलरेडी हवा में नमी बहुत ज़्यादा है, तो जिस जो ऑलरेडी बहुत पानी कंटेन किया है तो आपके पास से पानी वो कहाँ से लेके जाएगा, ठीक है। तो ये रीज़न है कि ह्यूमिडिटी अगर एयर में ज़्यादा होगी तो आपका इवेपोरेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। और यही चीज़ उल्टा हो जाता है विंड स्पीड में, कि वो जो हवा में नमी होती है उसको एक जगह से दूसरे जगह पे वो उड़ा के लेके चला जाता है, हवा की नमी जो होती है वो कम हो जाती है, और इसी वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देन क्या हो सकता है इवेपोरेशन से, आपका जो कॉमन सॉल्ट है वो प्रिपेयर हो सकता है, जैसे कि आपका सी है, सी से हम सॉल्ट प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो सी के वाटर को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, इसी तरीके से वो इवेपोरेट होता रहता है और लास्ट में नीचे हमारा क्या बच जाता है, कॉमन सॉल्ट बच जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एक्चुअली होता क्या है क्रिस्टलाइजेशन में, पहले आप प्रोसेस समझ लीजिए कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। ये है क्या, सॉलिडिफिकेशन ऑफ अ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम इट्स डिजॉल्व्ड स्टेट। मतलब कि अगर किसी प्योर सब्सटेंस को हम उसके डिजॉल्व्ड स्टेट से अगर वो सॉलिडिफाई हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। नहीं समझ में आया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अब समझते हैं इसको हम। सपोज कर लो कि कोई इम्प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, उसको हमने एक सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर दिया, वो क्या होता है कि पूरी तरीके से उसमें डिजॉल्व नहीं हो रहा। ऐसा कोई सब्सटेंस हमको चूज़ करना है, इम्प्योर सब्सटेंस, कि उस सॉल्वेंट में रूम टेम्परेचर पे पूरी तरीके से डिजॉल्व ना हो पाए, ठीक है। कब डिजॉल्व हो, हम टेम्परेचर नीचे से देना शुरू करेंगे तब जा करके वो उसकी डिजॉल्व उसकी जो सॉलिबिलिटी होगी वह बढ़ना शुरू होगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, उसको मिक्स करते जा रहे हैं और हीट देते जा रहे हैं, हीट देते जा रहे हैं, और उसको एकदम कंसनट्रेटेड कर दिया हमने, एकदम सैचुरेटेड कर दिया। मतलब उसके बाद सैचुरेशन में आने का मतलब क्या होता है कि अब अगर और इम्प्योर सब्सटेंस हम ऐड करेंगे तो अब सॉल्युबल नहीं हो पाएगा, सॉल्युबिलिटी की लिमिट हो गई है एकदम से, ठीक है, हद आ चुकी है उसकी, अब वो सैचुरेट हो चुका है, अब और वो डिजॉल्व नहीं हो पाएगा। उस लेवल पे हम जैसे ही आते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको सडनली कूल कर देते हैं, उस सॉल्यूशन को हम कूल कर देते हैं। तो क्या होता है, जो इम्प्योर जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो सॉल्यूशन में ही रह जाती हैं, और उस सॉल्यूशन में से जो प्योर सब्सटेंस होता है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, यानी कि क्रिस्टल्स के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, छोटे छोटे क्रिस्टल्स के फॉर्म में आपको बाहर आ जाता है, ठीक है। आपको बस इतना ही समझना है, इससे ज़्यादा समझने की आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, अगर आप इवेपोरेशन के भरोसे पे छोड़ देंगे कि कॉमन सॉल्ट निकल रहा है, ठीक है, वो निकल जाएगा कॉमन सॉल्ट आपका, लेकिन जब हमको कमर्शियली हमें देखना होगा, कमर्शियली हमें NaCl चाहिए, सॉल्ट चाहिए हमको, तो हम इवेपोरेशन के नाम पे ये काम नहीं कर सकते, बिकॉज इवेपोरेशन बहुत स्लो प्रोसेस होता है। तो फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, बिकॉज सॉल्ट जो सी वाटर में जो सॉल्ट होता है उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज़ भी होती है ना, तो हम क्रिस्टलाइजेशन यूज़ कर रहे होते हैं, इंप्योरिटीज़ रह जाती हैं वाटर में और जो सॉल्ट होता है वो क्रिस्टलाइज होकर के बाहर आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, आप एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। सपोज़ हमारा ब्लड सैंपल है ना, ब्लड सैंपल हम देते हैं तो क्या होता है, वहाँ से ब्लड सैंपल होता है या फिर यूरिन टेस्ट होता है, एक अपैरेटस होता है, ये एक स्टैंड होती है और उसमें टेस्ट ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, ऐसे टेस्ट ट्यूब्स को उसमें लगा दिया जाता है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में ब्लड सैंपल को या फिर यूरिन सैंपल को डाल दिया जाता है और उसको बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट से रोटेट किया जाता है, बहुत हाई कॉन्स्टेंट स्पीड से उसको रोटेट किया जाता है। क्या होता है कि ब्लड में क्या क्या होते हैं, ब्लड तो प्योर है नहीं, ब्लड के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक आपकी WBC हैं, RBC हैं, प्लेटलेट्स हैं, प्लाज्मा हैं। तो क्या होता है कि आपका जो RBC है वो सबसे ज़्यादा भारी है, तो यहाँ पर डेंसिटी रोल प्ले कर रहा होता है, क्या रोल प्ले कर रहा होता है, डेंसिटी। जो सबसे ज़्यादा भारी होगा वो टेस्ट ट्यूब में सबसे नीचे आ जाएगा, सब टेस्ट ट्यूब में सबसे नीचे का रोल पकड़ लेगा, नीचे का ये स्पेस ले लेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको क्या होगा, RBC। उसके बाद WBC और प्लेटलेट्स आते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या आता है यहाँ पे, WBC और प्लेटलेट्स, उसके ऊपर सबसे हल्का आता है जो है प्लाज्मा, यानी कि जो सबसे भारी होगा वो सबसे नीचे होगा, जो सबसे हल्का होगा उसके अकॉर्डिंग लेयर्स फॉर्म करता चला जाएगा। इस तरीके से हमारा वो जो ब्लड है, ब्लड सैंपल है, वो सेपरेट हो जाएगा अलग अलग कंपोनेंट्स में। यही सेम चीज़ आपकी यूरिन के साथ भी होता है, सेम चीज़ हमारा जब सेपरेट करते हैं हम बटर या फिर क्रीम हम मिल्क से या कर्ड से, तो ये सेम चीज़ होते हैं। देखते हैं दादी या नानी हमारे पुराने ज़माने में एक मथना यूज़ कर रही होती थी, ऐसा वो कुछ होता था, वो उसको ऐसे ऐसे करके बहुत देर तक हाथों से करती थी और उसके बाद जो कर्ड होता था
वो नीचे रह जाता था और मक्खन ऊपर आता था। तो ये आपका क्या प्रोसेस है? सेंट्रीफ्यूगेशन। आगे बढ़ते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के बारे में आपको पता है क्या होता है, और आपका सॉलिड जो होता है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी एक प्रोसेस है आपका प्योरिफिकेशन का। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन समझना थोड़ा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सपोज़ कि हमारे पास टू लिक्विड्स हैं। हाँ, पहले ये समझना आपको चाहिए कि डिस्टिलेशन में क्या होता है, कौन से लिक्विड्स यूज़ कर रहे होते हैं हम। मिसिबल लिक्विड्स यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि जो आपस में मिक्स्ड हो। तो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं जो आपस में मिक्स हो जाते हैं, उनको सेपरेट करना है ना। हम कैसे करेंगे? अब मान लो कि वाटर है और अल्कोहल है या फिर इथेनॉल है, ठीक है। तो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? 100 डिग्री सेल्सियस। और इथेनॉल की बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? 78.7 डिग्री, ऐसा कुछ सेल्सियस होता है, ठीक है। ठीक है, तो क्या होता है, सिंपल डिस्टिलेशन जो होता है वो नॉर्मल जैसे हमारा इवेपोरेशन होता है ना, उस तरीके से होता है। जैसे इसमें क्या होगा, पहले ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है उस वो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो फिजिकल प्रॉपर्टी जो आता है रोल में, वो क्या है कि डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस या उसे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास का होना चाहिए डिफरेंस, तभी हम सिंपल डिस्टिलेशन कर सकते हैं। जैसे कि आपका इथेनॉल और वाटर हो गया, तो इसका 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और इसका अराउंड 78 के अराउंड हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एक मान लो कि यहाँ पे बीकर है, एक यहाँ पे ऐसे कॉलम से बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा बीकर है। क्या हुआ, हमने हीट करना शुरू किया, तो पहले इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट आएगा, ठीक है ना। पहले इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट आएगा, जब तक इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो वो क्या होगा, इवापोरेट होना शुरू होगा यहाँ से, है ना, कन्वर्ट होना शुरू होगा गैस में। इससे पास होगा, फिर यहाँ पे देखा, अब यहाँ पे क्या हीट तो है नहीं, यहाँ पे तो ठंडा हो गया, यहाँ पे कंडेंसेट हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, अलग आ करके यहाँ वाटर में कन्वर्ट होकर सेपरेट हो जाएगा। जब तक वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नहीं आता, तब तक क्या होगा, हमारा जो इथेनॉल है वो सेपरेट होकर के इधर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका सिंपल डिस्टिलेशन। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होगा, जब आपका डिफरेंस जो होगा बॉइलिंग पॉइंट्स में वो 25 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी कम होगा। काफ़ी कम होगा तो क्या होगा, तब सिंपल डिस्टिलेशन क्यों नहीं कर सकते? मान लो काफ़ी कम होगा, तो जो भी हम बॉयल कर रहे हैं यहाँ पे दो मिक्सचर, उनका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम हुआ, एक हीट देना शुरू किया, उस पहले वाला जो जिसका कम है, सबसे कम है, पहले वो बॉयल होना शुरू हुआ, है ना। जब तक वो बॉयल होकर के, मतलब आधा सपोज कर लो, आधा मान लो कि आधा वो बॉयल होकर के यहाँ पे गैस में कन्वर्ट हुआ, कंडेंसेट होके दूसरे जगह पे वो जमना शुरू हो गया, लेकिन कलेक्ट होना शुरू हो गया। लेकिन क्या होगा, मान लो कि जब तक वो आधा आधा जा रहा है, बाकी तो यहाँ पे रेस्ट बचा हुआ है ना, तब तक दूसरे वाले का ही बॉइलिंग पॉइंट भी आ गया, यानी कि वो भी बॉयल होना शुरू हो जाएगा। यानी कि हमारे जो दोनों ही सब्सटेंसेस हैं, दोनों के ही पार्टिकल्स यहाँ पे मिक्स हो जाएंगे, तो अगेन मिक्स हो गया ना, सेपरेशन तो नहीं हो पाया। यही रीज़न है कि हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, बस एक अपैरेटस का डिफरेंस है और वो है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करता है, जैसे कि ये बीकर है हमारा, यहाँ से एक ऐसा मेरे को, मैं दिखाती हूँ थोड़ा अच्छे से, ये बीकर है हमारा, यहाँ पे एक ऐसे से कॉलम रहता है, ठीक है, एक ऐसा कॉलम रहेगा, एंड अगेन सेम अपैरेटस है यहाँ पे ऐसे करके, एक यहाँ पे बीकर रहेगा आपका, ठीक है। कंडेंसर होता है यहाँ पे, एक और अपैरेटस होता है यहाँ पे, कंडेंसर होता है, और ये सेकंड बीकर आपका हो गया। क्या होगा, हमने हीट देना शुरू किया यहाँ पे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है इसका, वो बहुत डिटेल में पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आप इतना जानो कि इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आया वो बॉयल होना शुरू हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो टेम्परेचर है वो इसके बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर के अराउंड आ जाती है, और क्या होता है, जब तक दूसरा वाला जो आपका सब्सटेंस है, लिक्विड है, वो बॉयल होने की आप कगार पे आता है, तब तक इसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है पहले वाले के ही बॉइलिंग पॉइंट पे, वो सडनली चेंज नहीं हो पाता उसका टेम्परेचर। जब तक पहले वाला जो आपका लिक्विड है, सपोज़ जैसे एसीटोन हो गया, है ना, एसीटोन हो गया, उसका उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, अराउंड 80 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। एसीटोन हो गया, उसका कितना होता है, 80 डिग्री सेल्सियस होता है, और आपका जो दूसरा मान लो कि अल्कोहल है, उसका 70 डिग्री सेल्सियस होता है, 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। तो पहले क्या होगा, पहले हमारा अल्कोहल का आएगा, है ना, पहले हमारा क्या आएगा, अल्कोहल का आएगा, तो अल्कोहल बॉयल होना शुरू होगा, अल्कोहल के पार्टिकल्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये जो आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, ये 70 डिग्री सेल्सियस पे ही, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है तब तक, जब तक पूरा का पूरा अल्कोहल आपका सेपरेट नहीं हो जाता है, ठीक है। और जब तक आपका 80 डिग्री सेल्सियस है, अभी ये 70 डिग्री पे ही है, और ये 80 डिग्री पे मान लो कि आ चुका है,
ठीक है, यहाँ से आपका अब 80 डिग्री आ गया, यानी कि एसीटोन भी अब बॉयल होना शुरू हो गया साथ ही साथ। अभी तक हमारा अल्कोहल तो बॉयल हो ही रहा है, साथ साथ एसीटोन भी बॉयल होना शुरू हो गया। लेकिन क्या होगा यहाँ पे कि अल्कोहल तो पास हो जाएगा क्योंकि 70 डिग्री सेल्सियस पे है, एसीटोन यहाँ से पास नहीं हो पाएगा बिकॉज ये 70 डिग्री सेल्सियस पे ही अभी अटका पड़ा है ना। तो वापस से ये नीचे आ जाएगा बॉल में। जब तक पूरा हमारा अल्कोहल चला जाएगा फिर ये टेम्परेचर जो होगा हम इंक्रीज़ कर देंगे, सिर्फ 80 डिग्री सेल्सियस पे कर देंगे, तब जा कर के हमारा जो एसीटोन है वापस से बॉयल होकर के इससे पास होकर के यहाँ पे कंडेंसेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, अगर आप इस पर थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बट यहाँ पे इतनी रिसर्च की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए आप इतना समझ लीजिए कि आपका सिंपल डिस्टिलेशन में जो बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी मतलब डिस्टेंस होता है दोनों में, डिफरेंस होता है काफ़ी। जैसे एग्जाम्पल बेस्ट आपका क्या होता है, क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, एसीटोन एंड वाटर। ठीक है, आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, क्रूड ऑयल। बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, गैसोलीन होती हैं, और आपका क्या होता है आपका ढेर सारे उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जेल्स होते हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें जो होती है उनकी डिफरेंस जो होती है बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी नज़दीक नज़दीक होती है, काफ़ी कम होती हैं। तो क्रूड ऑयल आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का बेस्ट एग्जांपल है, और इथेनॉल और वाटर जो है वो डिस्टिलेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है, और एनिलीन, एनिलीन का ध्यान देना है बिकॉज एनिलीन से क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, एग्जाम्पल्स का ध्यान रखना है, प्रोसेस आपको समझ में अपने आप से आ जाएगा अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं इसके बारे में तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी अगेन एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप थोड़ा अगर समझ पाओ इसको तो थोड़ा ध्यान दे के समझ जाना। सपोज़ कि हमने एक बीकर लिया है पानी, उसमें यहाँ पे फिल्ड अप, ठीक है, एक हमने पेपर लिया है और पेपर में एक छोटा सा डॉट बना दिया, लाइक एक ब्लैक डाई ले लिया है, डाई समझते हैं ना जो कलर करते हैं, बाल रंगते हैं ना, तो ब्लैक डाई है, ये पानी से थोड़ा सा ऊपर ही है, पानी से टच्ड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे है सपोज़। अब क्या होगा कि पानी क्या करता है, ये डिप कर दिया हमने, जो ये जो स्ट्रिप है हमारा वो उसने उसको हमने ड्रिप कर दिया। अब इसमें हल्के हल्के पोर्स होते हैं, है ना, पोर्स हैं आपके, जो आपका जो ये है पेपर है उसमें हल्के हल्के पोर्स होते हैं, तो पानी क्या करेगा ना, कैपिलरी एक्शन करेगा, यानी कि सारे पोर्स से ये उठ करके सारे पोर्स में लग करके ये क्या होगा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, वाटर अपने साथ साथ ये डाई को भी लेके जाएगा, खुद तो जाएगा डाई को भी लेके जाएगा। अब डाई जो है ब्लैक डाई वो सिर्फ ब्लैक कलर से नहीं बना होता, उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, लाइक ब्लू होता है, ग्रीन होता है, और भी कलर्स होते हैं, डिपेंड्स कि आप क्या क्या मिला करके क्या कौन सी डाई बना रहे हो, एक डाई कभी सिंगल डाई को कंटेन नहीं की होती है। अब इसमें क्या होता है कि अलग अलग कलर्स की अलग अलग डेंसिटी होती है, अलग अलग सॉरी डेंसिटी नहीं होती है, अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है, जो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो सबसे ऊपर जा करके फॉर्म सबसे ऊपर जा करके आपको दिखाई देगा, जो कम सॉल्युबल होगा वो उसके नीचे, फिर उससे जो कम होगा उसके नीचे। आप कभी देखना, आप देखना कभी एक पिक लगा दूंगी या फिर आपको पता होगा, ये चीज़ आपने देखी होगी कि सपोज़ आपने कोई पेपर पे कोई कलर डाल दिया और पानी गिरा दिया उसके ऊपर, तो आपको सिंगल कलर नहीं दिखाई देगा, आपको बहुत सारे कलर्स ऐसे 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 करके दिखाई देते हैं, राइट। जो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होता है वो डॉट के सबसे नज़दीक होता है, और जो सबसे कम सॉल्युबल होता है वो डॉट के ज़्यादा नज़दीक होता है, और जो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होता है वो डॉट से बहुत दूर ऊपर बनता है, ऊपर जा करके बनता है, ठीक है। तो ये क्या होता है क्रोमैटोग्राफी, इस तरीके से हम कलर्स को डाइज को अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, ब्लर्ड में से हम ड्रग्स को अलग अलग करते हैं। तो क्रोमा का बेसिकली मतलब होता है कलर, तो इसको हमने नाम ऐसा इसलिए दिया है बिकॉज पहले हम सिर्फ कलर्स को डाइज को ही हम इसके अलग कर रहे होते थे, जो क्लोरोफिल हमारा जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उसको हम प्योरीफाई करने के लिए या फिर उसको सेपरेट करने के लिए पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था, इसकी वजह से क्रोमैटोग्राफी नाम रख दिया गया था। बट नाउ अ डेज क्रोमैटोग्राफी सिर्फ कलर के सेपरेशन को या डाई के सेपरेशन को नहीं इन्वॉल्व कर रही होती है, और बहुत सारी चीज़ें हम क्रोमैटोग्राफी से यूज़ कर रहे होते हैं, तो अब उसका नाम एक क्रोमैटोग्राफी है तो रह गया है, बट वो जनरलाइज अब कर दिया गया है, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, देखने से छोटा लगता है बट है बहुत इंपॉर्टेंट, इसे क्वेश्चंस बहुत तगड़े तगड़े आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। पहला है आपका टॉपिक क्या, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब आप समझ रहे होंगे नाम से ही कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक आपका कलर हो गया, स्टेट हो गया, शेप हो गया, साइज हो गया, डेंसिटी हो गया, ठीक है, इन सारी चीज़ों में चेंज अगर आता है तो वो सारी चीज़ टेम्परली, वो भी टेम्परली चेंज आता है ना, और वो रिवर्सिबल भी होगा। मान लो कि आपने क्या किया, सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, उसको इवेपोरेट कर दिया, सॉल्ट अलग हो गया, वाटर अलग हो गया, लेकिन आप चाहो तो दोबारा को फिर से आप सॉल्ट सॉल्यूशन कर सकते हो ना, दोबारा से आप सॉल्ट और वाटर को मिक्स तो कर ही सकते हो, तो ये कैसा प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है ना। कोई नया सब्सटेंस तो फॉर्म नहीं हुआ है,
जैसे कि एक हाइड्रोजन अलग सब्सटेंस है, ऑक्सीजन अलग सब्सटेंस है, और वाटर जो बन जाता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट सब्सटेंस है, उसमें इन दोनों की प्रॉपर्टीज ही नहीं है, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, इसको आप फिजिकल सब्सटेंस नहीं बोल सकते हो, इसको आप केमिकल सब्सटेंस बोलोगे, आई मीन केमिकल चेंज बोलोगे, ठीक है। तो फिजिकल चेंज क्या हो गया कि उसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, बस जो पुराने सब्सटेंस होता है उसका थोड़ा कलर चेंज होगा, थोड़ा डेंसिटी चेंज होगा, यानी कि थोड़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगे, और वो टेम्परेली होंगे, है ना, टेम्परेली होंगे, और वो रिवर्सिबल भी होंगे। आप चाहो तो वापस से कोई दूसरा फिजिकल प्रोसेस करके उसको वापस से कंबाइन भी कर सकते हो, जैसे पहले था वैसे वापस से ला भी सकते हो, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल्स क्या हो जाता है आपका, जैसे कि आपने पेपर है, पेपर को आपने क्रम्बल कर दिया हाथ में ऐसे लेकर के, उसको फोल्ड कर दिया, तो आप चाहो तो दोबारा से उसको नहीं ओपन करके उसको ठीक कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। शुगर सोल्यूशन मैंने बताया अभी आपको, ठीक है। फिर आपने आइस को मेल्ट कर दिया, वाटर में कन्वर्ट कर दिया, वो दोबारा आई आपका जो वाटर है आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पे कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, तो उसको हम कहेंगे, ऐसे चेंजेस को हम कहेंगे फिजिकल चेंज। अब आते हैं केमिकल चेंज में, यहाँ पे क्या होता है कि आपका इंटरनल मॉलिकुलर कंपोजिशन भी चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन है, वो भी चेंज हो जाता है, नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है और पुराना सब्सटेंस डिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, अगर ऊड को आप बर्न करते हो तो चारकोल बन गया, चारकोल से आप वापस से ऊड नहीं बना सकते हो, वुड की जो प्रॉपर्टी हो गई वो पूरी की पूरी ही बदल के कुछ और ही बन गई, है ना। वुड अलग चीज़ है, चारकोल कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। फिर समझ लो कि एसिड और बेस को हमने मिलाया, है ना, तो ये बन करके आपका मिक्स होकर तो क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है, और क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है, राइट। तो ये सॉल्ट एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज को नहीं लिया रहता, तो कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ बन जाती है यहाँ पे, ठीक है। और ये इरिवर्सिबल है, आप सॉल्ट से वापस एसिड या फिर वापस बेस नहीं बना सकते हैं, ठीक है। उस तरीके से डाइजेशन ऑफ फूड है, आपका जो खाना है वो डाइजेस्ट होकर के कुछ और ही बन गया है, अब वापस से उसको खाने में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, है ना, इम्प्रैक्टिकल सी बात है ये। तो ये जो चेंजेस होंगे, केमिकल चेंजेस, ये इरिवर्सिबल होंगे, ठीक है। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, चैप्टर हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर वो मैटर एंड इट्स स्टेट्स, ये कंप्लीट हो चुका है, और इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए हैं, उस क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर उसका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड विल यू यूज टू सेपरेट योगर्ट, यानी कि दही, कर्ड, फ्रॉम वाटर कंटेंड इन इट। अगर दही और वाटर को हमने मिक्स किया हुआ है तो उसको हम अलग कैसे कर सकते हैं, डिस्टिलेशन से। अब बॉइलिंग पॉइंट की तो कोई बात ही नहीं है, है ना। क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पे क्रिस्टल्स कैसे फॉर्म होगा, वो तो दही है, वो तो दही के फॉर्म में है, वो क्रिस्टल कैसे बनेगा। फिल्टरेशन, आपने देखा होगा मम्मी क्या करती हैं कि एक फिल्टर पेपर लो, कोई भी पेपर क्लॉथ ले लो, उसमें आप वाटर को और दही का जो मिक्सचर है उसको आप डालोगे तो क्या होगा, पानी कपड़े से नीचे छन जाएगा और आपका जो दही है वो जो आपका पेपर होगा, जो क्लॉथ होगा, उसके ऊपर ही अटक के रह जाएगा। तो हम किस तरीके से सेपरेट करते हैं इसको, दही को, फिल्टरेशन से। डिकंटेशन क्या होता है, आपका सपोज कर लो कि आपने सैंड और वाटर को मिक्स किया तो क्या होगा, सैंड नीचे आ जाएगा, वाटर ऊपर रह जाएगा, तो आप क्या करेंगे, वाटर को पोर आउट कर लोगे किसी दूसरे बीकर में, तो इस प्रोसेस को हम पोरिंग आउट को क्या कहते हैं, हम डिकंटेशन कहते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी, फिल्टरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्विमर फाइंड्स इट्स ईजियर टू स्विम इन सी वाटर दैन इन प्लेन वाटर, वाई, क्या होता है। यहाँ पे देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक कंसेप्ट है, प्लेन वाटर में क्या हो रहा है और सी वाटर में क्या हो रहा है तो दोनों वाटर ही, लेकिन सी वाटर में एक्स्ट्रा हमारा क्या होता है, सॉल्ट होता है, जो प्लेन वाटर में नहीं होता है, है ना। एक्स्ट्रा हमारा क्या होता है, सॉल्ट होता है, राइट। अब इस सॉल्ट के, सॉल्ट से क्या होना है, वाटर में क्या, हमें पता है कि जो वाटर जो लिक्विड होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, जब हम सॉल्ट मिक्स करते हैं उसके अंदर तो ये जो स्पेसेस होते हैं वहाँ पे, उन स्पेसेस पे सॉल्ट आ जाते हैं, यानी कि उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है ना। डेंसिटी मतलब क्या, कॉम्पैक्टनेस, कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। तो पहले वाटर, प्लेन वाटर उतना कॉम्पैक्ट नहीं था, स्पेसेस थे उनके बीच में, हमने क्या किया, हमने सॉल्ट को डाल दिया, ऐड कर दिया, तो जो स्पेसेस हैं वहाँ पे क्या आ गया, सॉल्ट आ गया, तो अब मोर कॉम्पैक्ट हो गया, डेंसिटी इंक्रीज हो गई। तो इसी इंक्रीज डेंसिटी की वजह से, भार ज़्यादा हो गया, इसके वजह से आपकी जो बॉडी है वो सी वाटर में फ्लोट करेगी मोर एज कम्पेयर टू प्लेन वाटर। तो आंसर क्या होगा हमारा, थर्ड ऑप्शन होगा, सी वाटर हैज़ हायर डेंसिटी दैन प्लेन वाटर। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़ें। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट,
मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी एक्सप्लेन करते टाइम कि आइस क्यों फ्लोट करता है वाटर पे। मैंने आपको बताया था कि जब 4 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वाटर फ्रीज होते रहता है, फ्रीज होते जाता है और 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है, तो वहाँ यहाँ पे क्या हो रही होती है कि स्टार्टिंग में डेंसिटी डिक्रीज हो रही होती है ना। लेकिन जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस हमारा आता है उसके बाद डेंसिटी इंक्रीज होने लगती है, ठीक है, सॉरी उल्टा बोल रही हूँ मैं। डेंसिटी जब हम क्या करते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस तक हमारा डेंसिटी क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद हमारी जो डेंसिटी होती है वाटर की वो डिक्रीज होने लगती है, ठीक है, डेंसिटी डिक्रीज होने लगती है। यही रीज़न है कि क्या होता है, हमारा आइस जो है वाटर पे फ्लोट करता है। तो मैक्सिमम हमारा डेंसिटी कहाँ पे आके रुका है, 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, सही ऑप्शन क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टेट पिक द ऑड वन आउट। देखिए देखिए, चीज़ वही है जो हमने पढ़ी है, वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन तरीका पूछने का क्वेश्चन अलग अलग है। नैप्थलीन में क्या होता है, नैप्थलीन बॉल्स जो हम यूज़ करते हैं घर में कपड़ों के बीच में रखते हैं, सॉलिड होता है ना, लेकिन वो गैस के फॉर्म में चेंज हो जाता है डायरेक्टली, तो सब्लिमेशन यहाँ पे हो रहा है। ड्राई आइस में भी सब्लिमेशन होता है या फिर डिपोजिशन होता है बिना वाटर को छोड़े। आयोडीन में भी सेम चीज़ होता है, लेकिन आइस में क्या होता है, आइस में सब्लिमेशन नहीं होता, आइस आपके वाटर में जाता है पहले तब गैस में जाता है। तो हमारा जो ऑड वन आउट अगर होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी आइस होगा। तो कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें समझनी है। यहाँ पे डायरेक्टली आपको सब्लिमेशन नहीं पूछ रहा, लेकिन उससे रिलेटेड आपको एप्लीकेशंस पूछा जा रहा है, तो चीज़ें को ऐसे समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरली कंसिस्ट ऑफ वन ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस। ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस किस में होता है, देखो एलिमेंट का बताया था मैंने आपको, एलिमेंट में सिर्फ एक ही टाइप का सब्सटेंस होता है, एक ही टाइप के एटम्स होते हैं। अब वाटर में आपको दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन है और एक आपका ऑक्सीजन है। मिल्क में भी आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, मिल्क आपका एक तरीके से कोलॉइड है, तो ऑब्वियस ही बात है कि कोलॉइड है वो मिक्सचर के फॉर्म में होता है, तो आपको मिल्क एलिमेंट आ ही नहीं सकता। ब्राइन सॉल्यूशन जो होता है उसमें सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, मतलब सॉल्ट भी है वाटर भी है, सॉल्ट में खुद की इम्प्योरिटीज़ होंगी, तो ये मिक्सचर है अगेन, है ना, ट्रू सॉल्यूशन ही कहेंगे हम। अब आता है मरकरी जो हमारा होता है Hg, तो ये हमारा क्या है, एलिमेंट है और यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आ रही, तो जो कंसेप्ट है इसके पीछे वो एलिमेंट का कंसेप्ट है ना, हम एलिमेंट का डेफिनेशन ध्यान नहीं देते, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन देखो आप एक डेफिनेशन समझने मात्र से आपका एक आंसर निकल जा रहा है ना, इसलिए कोई भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना है, काफ़ी आराम आराम से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तभी जाके क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस इजी हैं लेकिन थोड़े ट्रिकी हैं। अगर आपने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा है तो क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू अपरूट अ क्यूकम्बर प्लांट व्हाट काइंड ऑफ चेंज विल इट बी। ये आपका आरआरबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्यूकम्बर प्लांट जो आपका है अगर आप उसको अपरूट कर दो तो किस टाइप का चेंज होगा, फिजिकल केमिकल, बोथ फिजिकल एंड केमिकल, नीदर फिजिकल नॉर केमिकल, जस्ट ऑर्गेनिक। देखो क्या होता है यहाँ पे, ये फिजिकल और केमिकल चेंज से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको और भी क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगी, टेस्ट भी दूंगी, तो आप उसमें क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कभी कभी, समझ नहीं आता कि फिजिकल है या फिर केमिकल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यूकम्बर प्लांट है कोई, सॉइल में अपना जड़ें बहुत अंदर अंदर तक वो लेके चला गया है, आप उसको अपरूट करोगे तो क्या होगा, इसके रूट्स टूट जाएंगे, है ना, इसका जो ओरिजिनलिटी था, ओरिजिनल जो फिजिकल स्ट्रक्चर था उसको आपने क्या किया, जबरन उसको चेंज कर दिया। तो यहाँ पे कौन सा चेंज हुआ, पहला आपका फिजिकल चेंज हुआ। दूसरा चेंज यहाँ पे एक और होगा कि आपने जैसे ही उसको अपरूट करके रख दिया, उसकी फोटोसिंथेसिस ख़त्म हो गई ना, फोटोसिंथेसिस होने के लिए उसको वाटर भी तो मिलना चाहिए, लेकिन जैसे ही आपने उसको अपरूट कर दिया, उसके रूट्स को सॉइल में से निकाल दिया, उसको वाटर मिलना तो बंद हो गया। अब फोटोसिंथेसिस सिर्फ आपके सनलाइट से तो होगा नहीं, वाटर भी चाहिए होगा उसको, तो आपने, और फोटोसिंथेसिस क्या होता है, केमिकल प्रोसेस है ना, फोटोसिंथेसिस की अच्छी खासी केमिकल रिएक्शन होती है, तो फोटोसिंथेसिस रुक गई, तो एक केमिकल चेंज भी हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आप किसी प्लांट को अपरूट कर देते हो तो पहली बात कि उसमें फिजिकल चेंज आएगी, और दूसरी बात कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, रुक गया, उसकी वजह से इसमें केमिकल चेंज भी आएगी, तो बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द सब्सटेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सूटेबल टू ऑब्टेन डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम सेपरेटली। मैंने बताया था आपको अभी
एग्जाम्पल समझा रही थी मैं आपको, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है बिकॉज पेट्रोलियम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी जेल्स होती हैं, जेलीज होती हैं, आपको आपको गैसोलीन होता है, ठीक है, ढेर सारी चीज़ें उसमें आ रही होती हैं, तो सीएनजी होता है, राइट, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं और उनकी जो डिफरेंसेस होती है, बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं काफ़ी नज़दीक नज़दीक होते हैं, इसलिए उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही सेपरेट कर पाते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, सी। तो देखिए इस तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू आपसे प्रोसेस पूछा जाएगा, ना कि डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि बताओ सब्लिमेशन क्या होता है, बताओ सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, ऐसे नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम्पल्स दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि बताइए ये जो एग्जाम्पल है किस प्रोसेस से अलग अलग किया जा सकता है, किस प्रोसेस से सेपरेट किया जाता है। तो क्वेश्चंस कुछ आपसे इस तरीके से पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि सारे प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से देख लेंगे। कुछ डाउट्स आपको होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप डाउट्स अपने पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और नेक्स्ट चैप्टर हम एटमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।